हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपकी क्लास सिक्स की हिंदी की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है मल्हार, उसमें चैप्टर 10 है परीक्षा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक। आज हम चैप्टर 10 करेंगे परीक्षा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जब रियासत देवगढ़ के दीवान जो हैं सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, विनती की। तीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे। सारी ज़िंदगी की नेक नामी जो है मिट्टी में मिल जाए। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई यानी उम्र हो गई, राजकाज संभालने की अब हिम्मत नहीं रही, और कहीं भूल चूक हो जाती है तो बुढ़ापे में दाग लग सकता है। तो सारी ज़िंदगी की नेक नामी भी जो है इससे मिट्टी में मिल सकती है। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। जो राजा साहब थे वो अपने अनुभवशील यानी एक्सपीरियंस जिनको था, और नीति कुशल थे, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाते थे, और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। बहुत समझाया राजा साहब ने दीवान को, बहुत समझाया दीवान सरदार सुजान सिंह को, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना यानी दीवान साहब राजी नहीं हुए तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा ने जो है दीवान की बात मान ली, उनकी प्रार्थना जो है स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। राजा साहब ने हार कर दीवान की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन साथ में ये शर्त लगा दी कि रियासत के लिए जो नया दीवान जो बनेगा उसकी खोज आपको ही करनी पड़ेगी। ये आप पिक्चर देख रहे हैं। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। अगले दिन क्या हुआ, जो प्रसिद्ध पत्र थे उनमें एक ये विज्ञापन निकला कि देवगढ़ को एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। तो इसमें ये लिखा था कि जो भी सज्जन अपने को इस पद यानी दीवान के पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों यानी उनसे मिलें। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, यह आवश्यक नहीं है कि वो ग्रेजुएट हों, लेकिन हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, मतलब शक्तिशाली हों। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो मंदाग्नि के जो मरीज हैं उनको यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। इसमें ये भी लिखा हुआ था पत्र में कि एक महीने तक जो उम्मीदवार होंगे उनके रहने की और आचार विचार की सारी देखभाल की जाएगी, रहन सहन आचार विचार। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा, यानी जो विद्या का कम लेकिन जो कर्तव्य है उस पर ज़्यादा विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। जो भी महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे यानी खरे उतरेंगे वे उस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, यानी वो दीवान का पद संभालेंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ये जो विज्ञापन निकला इसने सारे जो मुल्क में जो है तहलका सा मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, ऐसा ऊंचा पद
और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है, यानी केवल भाग्य का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए, सैकड़ों आदमी जो हैं अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए, यानी चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अब ये देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे का मतलब यही है कि दूर दूर से आकर जो है लोग आने लगे इस दीवान का पद प्राप्त करने के लिए। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उधर था। जो भी रेलगाड़ी आती उसमें बहुत सारे उम्मीदवार आते, तो एक किस्म से मेला सा उधर था। कोई पंजाब से चला आता था, यानी कोई दीवान के पद के लिए जो उम्मीदवार थे ये, तो इसमें कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। तो ये क्वालिटी बताई हुई है कि भाई कोई जो है पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, और कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ था। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपने सच धज दिखाने लगे। तो रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के जो अंग रखे हैं और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, लेकिन सबसे जो विशेष संख्या थी वो ग्रेजुएटों की थी, यानी जो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि जो बीए पास हों, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो तो वो ग्रेजुएट होते हैं। क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। जो सरदार सुजान सिंह जो दीवान थे, जो पद छोड़ना चाहते थे अब और नया दीवान को चुनना था, तो जो कैंडिडेट आए थे, महानुभाव आए थे, उनके आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। हर एक मनुष्य मतलब जो भी यहाँ पर आए हुए थे, जो दावेदार थे, वो अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसी उनकी बुद्धि थी उसके अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे, ये बता रखा है कि नाम है ये मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर द से और जय से उनके घरों पर नौकरी की नाक में दम था। मिस्टर द से और जय से उनके घरों पर नौकरी की नौकरों की नाक में दम था। मिस्टर द से और जय से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, नौकरों की नाक में दम था। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मतलब उनके घरों पर पहले तो नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ले को किताब से घृणा थी, यानी नफरत थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। और आजकल ऐसा देखा जाता था कि वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। जिससे बात कीजिए, यानी जिससे भी हम बात करें, वह नम्रता यानी विनम्रता, सदाचार, सादगी, अच्छे विचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, लोग ऐसा मानते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, यानी अगर जिस काम के लिए आए हैं ये सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है।
लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी वही दीवान साहब सुजान सिंह, वो मनुष्यों के बूढ़े जौहरी हैं, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है, कि ये सारे बगुले हैं और इन बगुलों में हंस कौन है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। एक दिन क्या हुआ, जो ये नए फैशन वाले थे, जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, जो महानुभाव थे, उनको ये सूझा कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह प्रस्ताव पेश किसने किया, जो हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ी थे। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसको भी आखिर विद्या ही कहेंगे, इसे क्यों छिपा रखें, मतलब इसको छुपाना नहीं चाहिए। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए, हो सकता है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। चलिए तय हो गया, सब कुछ पक्का हो गया, फील्ड बन गई, खेल आरंभ हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी। जो अप्रेंटिस होता है वो नौसिखिया होता है। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। जो रियासत है देवगढ़ की, उसमें ये हॉकी का खेल जो है वो बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। उस समय ये माना जाता था कि जो दौड़ कूद के जो खेल हैं वो बच्चों के खेल हैं। ये देख रहे हैं आप हॉकी का खेल। खेल बड़े उत्साह से जारी था, मतलब बड़े जोश से खेला जा रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेज़ी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। धावे के जो लोग थे जब गेंद को लेकर तेज़ी से उड़ते तो ऐसा मालूम होता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। तो ये बताया गया है कि जो धावा बोलते हैं, उस समय धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेज़ी से उड़ते तो ऐसा मालूम पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को, जो खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसको इस तरह से रोक लेते थे जैसे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही, शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, यानी पसीना पसीना हो गए। खून की गर्मी आँख और चेहरे से झलक रही थी। खून की जो गर्मी थी वो आँख और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, हाँफते हाँफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, यानी बहुत थक गए, दम नहीं रहा, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका, फैसला न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था, जहाँ खेल हो रहा था हॉकी का, उस मैदान से ज़रा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था, कोई भी पुल नहीं बना हुआ था। पथिकों को नाले में से चल कर आना पड़ता था। जो पथिक थे, जो चलने वाले थे, पैदल चलने वाले थे, उनको नाले में से चल कर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था, खेल अभी समाप्त ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। जो खिलाड़ी लोग थे वो थोड़ा दम ले रहे थे, अब आराम कर रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। और खिलाड़ी जो लोग जो थे बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए, उसके बाद एक अनाज से भरी हुई गाड़ी थी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। अब क्या हुआ कि किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। अब नाले में कीचड़ था,
और फिर उस नाले की जो चढ़ाई थी वो भी ऊंची थी काफ़ी, कि गाड़ी जो है वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। अब वो जो किसान था गाड़ी चढ़ाने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, कभी तो अपने बैलों को ललकारता कि चलो, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता ऊपर चढ़ाने के लिए गाड़ी को, लेकिन बोझ ज़्यादा था अनाज से भरी हुई गाड़ी में और बैल कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। गाड़ी जो है वो ऊपर को नहीं चढ़ पाती थी और यदि चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, यानी वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता, किसान जो है वो बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझला कर बैलों को मारता। किसान बार बार कोशिश करता गाड़ी को ऊपर चढ़ाने की और बार बार झुंझला कर अपने बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। तो किसान ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह वो अपनी गाड़ी को ऊपर चढ़ा ले। बार बार उसने जोर भी लगाया, बार बार बैल अपने जो है बैलों को भी जो है झुंझला कर मारा, लेकिन गाड़ी जो है वो ऊपर न चढ़ सकी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, किसान जो है वो इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र न आता, कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, अब वो जो गाड़ी थी उसको अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, वो बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था, बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। इसी बीच में जब ये सारा किसान जो है परेशान हो चुका था, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था, तो उस दौरान जो है खिलाड़ी जो है वो हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते वहाँ से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। किसान ने जो है ये जो खिलाड़ी जा रहे थे बड़ी सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। लेकिन किसान में जो है किसी से मदद मांगने की हिम्मत न हुई। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा मगर बंद आंखों से। खिलाड़ियों ने भी किसान को देखा लेकिन बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उन खिलाड़ियों में किसान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, उनमें स्वार्थ था, यानी वो स्वार्थी थे, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। ये जो खिलाड़ी थे इनमें स्वार्थ था, मद था, लेकिन उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था, इनमें उदारता और वात्सल्य के गुण नहीं थे। लेकिन उसी समय में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। लेकिन उसी समूह में क्या था, एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था, मतलब उसको दया आई किसान के ऊपर और उसमें साहस भी था। आज हॉकी खेलते ही उसके पैर में चोट लग गई थी, आज जब वो हॉकी खेल रहा था तो उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था, यानी वो धीरे धीरे लंगड़ा कर चल रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, अचानक उसकी जो नज़र जो है वो गाड़ी पर पड़ी, ठिटक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ? उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। जब उसने किसान की सूरत देखी तो उसे सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया उसने, कोट अपना उतार दिया और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूँ? ये गाड़ी निकाल दूँ मैं तुम्हारी? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। किसान ने देखा कि एक व्यक्ति है जिसका गठा हुआ बदन है और वो लंबा आदमी है और वो उसके सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। युवक बोला, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ काफ़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है।
युवक ने कहा था कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ काफ़ी देर से फंसे हो, तो चलो तुम ऐसा करो, गाड़ी पर जाकर अपने बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी पर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा, युवक ने पहियों को, किसान जो है वो क्या हुआ, गाड़ी पर जा बैठा और युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कीचड़ ज़्यादा था और चढ़ाई भी ऊंची थी। वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया लेकिन हिम्मत ना हारी। जो युवक था वो घुटने तक ज़मीन में गड़ गया लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, साहस नहीं छोड़ा। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, बैलों को हिम्मत मिली, सहारा मिला, हिम्मत बंद गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार फिर जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। यानी गाड़ी चढ़ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। वो किसान कहता है युवक को जिसने उसकी गाड़ी चढ़ाई थी ऊपर, कि बोला महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, यानी आपने मेरी मदद कर दी, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। क्या मुझे इसका इनाम दोगे? तो किसान ने गंभीर मुद्रा में कहा, नारायण चाहेंगे, मैंने भगवान चाहेंगे तो दीवानी जो है वो आपको ही मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर खोज हो रही है दीवान के पद के लिए। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? अब युवक ने किसान को गौर से देखा और उसके मन में एक संदेह हो गया कि क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है जो वर्तमान दीवान है, जो अपना पद छोड़ रहा है। आवाज़ भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यानी जब मेहनत की जाती है और तभी जाके उसका जो है फल मिलता है। यहाँ पर जो है गाड़ी चढ़ाई जा रही है, आप देख रहे हैं किसान जो है अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ है और वो युवक जो है गाड़ी को ढकेल रहा है। निदान महीना पूरा हुआ, एक महीना जो था वो पूरा हो गया। चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। जिज्ञासु थे, एक्साइटेड थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, यानी मुश्किल हो गया दिन काटना। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे का मतलब ये है कि हर एक सोचता था कि मैं दीवान बनूंगा, तो वो आशा हो गई, निराशा कि भाई क्या पता मैं नहीं बनूं। तो प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। पता नहीं आज किसके नसीब जागेंगे, यानी आज किसका भाग्य जागेगा। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, कौन जानता है कि आज किस पर लक्ष्मी जो है अपनी कृपा दृष्टि करेगी।
संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शाम के समय जो राजा साहब थे उनका दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, शहर के जो अमीर व्यक्ति थे, रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी, जो राज्य के कर्मचारी थे, और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, जो दीवानी के जो उम्मीदवार थे उनका ग्रुप, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए, सब जो है रंग बिरंगी सज धज बनाए, दरबार में आविराजे, मीन्स दरबार में आ पहुँचे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, यानी उनका जो दिल था वो धड़क रहा था। दिल धड़कने का मतलब यही है कि अब फैसला होगा, तो उनमें आशा और निराशा भी थी, और इस उम्मीद में कि आज क्या होगा। तो ये जो उम्मीदवार थे इनका दिल जो है वो धड़क रहा था। जब सरदार सुजान सिंह खड़े होकर बोले, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय, अब मेरे जो दीवानी के उम्मीदवार हैं महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है, ये सरदार सुजान सिंह जी कहते हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, माफ़ी दीजिए मुझे। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। कहते हैं कि इस दीवान के पद के लिए ऐसे पुरुष की जरूरत थी, आवश्यकता थी, जिसके दिल में हृदय में दया हो और साथ साथ में आत्मबल भी हो, यानी खुद पर उसको विश्वास हो, हिम्मत वाला हो, हृदय वह जो उदार हो, हृदय ऐसा हो जो उदार हो, यानी जनरस हो, काइंड हो, दयालु हो। आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, आत्मबल वो हो जो मुसीबत आए तो उसका वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया, और ये जो है इस रियासत का सौभाग्य ही है कि हमें ऐसा पुरुष मिल गया जिसके हृदय में दया है और उसमें आत्मबल है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, मतलब जिनके हृदय में जो है उदारता हो, आत्मबल हो, तो ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं। अब सुजान सिंह जी कहते हैं कि जिसके हृदय में दया हो और आत्मबल हो, ऐसा व्यक्ति जो है हमें मिल गया है दीवान के पद के लिए, हमें ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है, ऐसे पुरुष की ज़रूरत है, और ऐसा पुरुष हमें मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। ऐसे जो गुण वाले जो हैं जिनमें दया हो, आत्मबल हो, तो वो व्यक्ति संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं, उन तक हम पहुंच नहीं सकते। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जो रियासत के पंडित हैं जिनका नाम है जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। रियासत के जो कर्मचारी थे और रईस थे, उन्होंने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, जो उम्मीदवार दल था उनकी आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब फिर बोले, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है।
आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी, यानी आपको कोई भी दिक्कत ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर के अभी जैसे गाड़ी इसने निकाली थी वही व्यक्ति को जो है दीवानी दी जा रही है, और उस पुरुष ने स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ाया था, तो उसके हृदय में साहस था, आत्मबल था और उदारता का वास था। तो अभी सरदार साहब ने यही फरमाया है कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। ऐसा आदमी जो है वो कभी भी गरीबों को सताएगा नहीं, बल्कि उनकी मदद करेगा। उसका संकल्प दृढ़ है, यानी डिटर्मिनेशन है उस व्यक्ति में, दृढ़ इच्छा शक्ति है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, उसका चित्त स्थिर रहेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो वह चाहे जो है खुद धोखा खा जाए लेकिन दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई कहानी थी, परीक्षा। और इस परीक्षा में जो है मैंने आपको बताया कि पंडित जो है जानकी नाथ जो है जिन्होंने किसान की मदद की थी गाड़ी को दलदल से निकालने में और ऊपर चढ़ाने में, उनको ही जो है दीवानी मिली। तो जिस व्यक्ति में जो है कि हृदय में साहस हो, आत्मबल हो, उदारता हो, ऐसा व्यक्ति कभी गरीबों को नहीं सताता। उसमें दृढ़ संकल्प होता है, उसका चित्त स्थिर रहता है, वो खुद धोखा खा सकता है लेकिन दया और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटता। एक बार लेखक से परिचय देख लेते हैं। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर कई कहानियाँ और उपन्यास लिखे। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन 10 परीक्षा के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।